हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी जेल वार्डर एग्जामिनेशन जो आज 28 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया, इस क्वेश्चन पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फुल क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले करेंगे हम साइंस सेक्शन को। साइंस सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक इकाई है। पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ पार्सेक इकाई है डिस्टेंस की, यानी कि दूरी की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पार्सेक दूरी की इकाई है। सेकेंड क्वेश्चन है एक गेंद धरातल से 25.2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंकी गई है, गेंद अपनी यात्रा में उच्चतम बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगी। तो उच्चतम बिंदु पर ये 2.57 सेकंड में पहुंचेगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2.57 सेकंड्स का टाइम लेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। रोलर कोस्टर की सवारी में जो बल कार्य करता है वह है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्री फोर्स। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती है क्योंकि। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर इसलिए नहीं पाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली लाइन तल के अंदर रहती है। ओके, रेखा के अंदर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जगह पर जी का मान सर्वाधिक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होती है, जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है पोल्स पर। ओके, ध्रुवों पर, यानी कि पोल्स पे है। एक तो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, यानी अंटार्कटिका भी पोल्स पर ही है। ओके, तो अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर जो है जी की वैल्यू सर्वाधिक होगी पोल्स पे। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और सबसे कम होती है इक्वेटर पे, यानी भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है पोल्स पे, यानी साउथ पोल पे है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर जी की वैल्यू सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। देखिए, अगर हम ऑप्शंस को देखें, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ओडोमीटर और पनडुब्बी, तो यहाँ पे ओडोमीटर जो दिया है इसका आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ओडोमीटर यूज़ होता है गाड़ी में यूज़ होता है ओडोमीटर। किसी गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है, कितना डिस्टेंस तय किया है, इसको मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर बात करें लैक्टोमीटर की, हाइड्रोमीटर की, तो इनमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओडोमीटर में आर्किमिडीज का सिद्धांत यूज नहीं हुआ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आधारित नहीं है ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद हीट, इसे कहते हैं थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स, ओके, थर्मोडाइनमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये भौतिक विज्ञान की शाखा है, इसमें हीट से संबंधित जानकारी होती है। एट्थ क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि साउंड का वेग जो है अधिकतम होता है, साउंड का वेग सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स में। ओके, सॉलिड में, कठोर में। तो इस्पात जो है सॉलिड है, तो इस्पात करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा इस्पात में। देखिए, ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, ये तो कट हो जाएगा। ओके, इस्पात इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का कारण है। और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर की जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वोल्ट। तो ये तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस से। इसके बाद करेंगे हम इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग मेडिटेरियन, मेडिटेरियन की स्पेलिंग ऑप्शन ए में करेक्ट दी गई है, MEDITERRANEAN। ओके, इसमें आई आएगा, यहाँ पे ई दिया गया है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट वर्ड स्कॉर्नफुल एंड कॉन्टेम्पचुअस लैंग्वेज के लिए। जो करेक्ट करेक्ट वर्ड होगा वो होगा एप्रोबियम। ओके, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट वर्ड होगा एप्रोबियम। थर्ड क्वेश्चन है चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। प्रियंका सेड
एटलीस्ट आई एम रूइंड, एटलीस्ट आई एम रूइंड। तो यहाँ पे प्रियंका सेड, यानी ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में दिया गया है। तो यहाँ पे आई एम है तो ये भी वॉज में बदला जाएगा। ओके, तो पहला ऑप्शन देखें तो प्रियंका सेड दैट सी इज रूइंड, तो इज तो नहीं आएगा। टोल्ड दैट सी इज रूइंड, सी तो नहीं आएगा, इज तो नहीं आएगा। ओके, इज नहीं आएगा, ये पूरा ही टेंस पास्ट में हो जाएगा। प्रियंका क्राइड एंड सोरो दैट सी वॉज रूइंड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट थर्ड। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। ही एक्सीड फिल इन द ब्लैंक्स हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट टू अराइव फिल इन द ब्लैंक्स मुंबई। ही एक्सीड एक्सीड टू हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट टू अराइव इन मुंबई, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ही एक्सीडेड टू हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट टू अराइव इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। स्टेटमेंट्स दी गई है, द फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ टीक। द फर्नीचर इन दिस रूम आर, यहाँ पे आर दिया है, द फर्नीचर इन दिस रूम इज मेड ऑफ टीक। द फर्नीचर आर ऑफ टीक, ये तो नहीं होगा, नन ऑफ। द फर्नीचर इन दिस रूम इज मेड ऑफ टीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे फर्नीचर दिया है, अब फर्नीचर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन दिया है ये फर्नीचर। ओके, तो यहाँ पे इसमें इज आएगा, ओके, ना कि आर, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक इन द सेंटेंस। मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट एट द स्टेशन। मिस्टर मिश्रा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर हैव वॉज नन ऑफ, देखिए हैव तो नहीं आएगा, वर आएगा क्योंकि ये बहुत है। मिस्टर मिश्रा हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर प्रेजेंट इन प्रेजेंट एट स्टेशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वर। सेवंथ क्वेश्चन है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए बिल्कुल ईजी है, इसमें होगा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, बिल्कुल ईजी था ये। ओके, ऑप्शन बी। एट्थ क्वेश्चन है, यूज इनफ एज अ नाउन, यूज करना है इनफ को एज अ नाउन, संज्ञा के रूप में। ही हैज इनफ एनर्जी, ये तो हो गया एडजेक्टिव, ये तो नहीं होगा। वी आर नॉट ट्रेंड इनफ टू विन द मैच। अगला है वी सॉरी आई हैव डन इनफ, आई हैव डन इनफ, ये एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। नाइन्थ क्वेश्चन है, यूज इनफ एज अ एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इनफ यूज करना है। तो ही हैज इनफ एनर्जी टू डू द वर्क, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, इनफ एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे। ओके, ही हैज इनफ एनर्जी टू डू द वर्क। एंड नेक्स्ट है एट्थ टेंथ क्वेश्चन में पूछा है, यूज इनफ एज अ एडवर्ब, यहाँ पे यू इनफ को एडवर्ब के रूप में यूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही बचता है, वी आर नॉट ट्रेंड इनफ टू विन द मैच। ओके, एज एन एडवर्ब यूज करना है यहाँ पे, टू विन द मैच, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब फ्रेजल वर्ब दी गई है, टॉक बिग एंड टॉक बैक। टॉक बिग एंड टॉक बैक, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है बोस्ट, टॉक रूडली टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक चूज द सुटेबल ऑप्शन बिलो द सेंटेंस। ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही फिल इन द ब्लैंक्स ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही रन डाउन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, ही रन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये जो पूछे गए हैं 13, 14, 15, इसमें बोला है चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेजेस अंडरलाइंड इन द नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। पहला क्वेश्चन में दिया है ही फ्रिक्वेंटली गोज बैक ऑन हिज वर्ड्स, ही फ्रिक्वेंटली गोज बैक इन हिज वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में पीछे चले जाता है। इसका जो मीनिंग होगा वो होता है कि ये अपने प्रोमिसज जो है ब्रेक करता है, ब्रेक्स हिज प्रोमिसज, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है इसमें मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन ऑफ नो वन बट हिज हिज कॉन्शंस एडवाइज्ड हिम टू
कम बैक टू अर्थ। अब यहाँ दिया है टू कम बैक टू अर्थ, इसका मीनिंग होता है टू रिटर्न होम, रिटर्न टू अर्थ या रिटर्न टू रियलिटी या बी ऑनेस्ट, इसका मीनिंग होगा रिटर्न टू रियलिटी। कम टू कम बैक टू अर्थ यानी रिटर्न टू रियलिटी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन में है आई कैन नॉट पुट अप विद दैट नास्टी फेलो, आई कांट पुट अप विद इसका मीनिंग होगा एंडियोर, ऑप्शन बी एंडियोर। क्वेश्चन नंबर 16 में है विच ऑफ द विच इज नॉट एन सिनोनियम ऑफ जेनिथ आउट ऑफ अ फॉलोइंग गिवन बिलो, जेनिथ का सिनोनियम कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे दिए गए हैं सिनोनियम एपेक्स, क्लाइमैक्स, टॉप या पावर। देखिए एपेक्स, क्लाइमैक्स, टॉप ये इसके सिनोनियम है जेनिथ के, पावर इसका सिनोनियम नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, यहाँ पे नॉट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का एंटोनियम उल्टा कौन सा शब्द है यहाँ पे। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, ओके जानबूझकर, जानबूझकर इसका एंटोनियम होगा, इसका उल्टा होगा अनइंटेंशनल, ओके अनइंटेंशनल, ऑप्शन सी। 18th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू सॉ एन एम्पैथिक सेंटेंस, तो यहाँ पे एम्पैथिक सेंटेंस जो है यह आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर या आई डू राइट अ लेटर, तो एम्पैथिक सेंटेंस यहाँ पे है आई डू राइट अ लेटर, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर दिस सेंटेंस, करेक्ट क्वेश्चन टैग कौन सा होगा। क्वेश्चन है जी यहाँ सेंटेंस दिया गया है ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, डोंट ही नहीं होगा, ही के साथ डजेंट ही आएगा, डोंट ही नहीं आएगा, डजेंट ही राइट्स अ लेटर, डजेंट ही, ओके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, फिल द करेक्ट कंजक्शन इन द सेंटेंस गिवन, सेंटेंस बिलो, मुन्ना विजिट्स द ग्रैंड कैनियन, फिल इन द ब्लैंक्स, ही गोज टू एरिजोना, मुन्ना विजिट द ग्रैंड कैनियन एंड ही गोज टू एरिजोना, बिल्कुल सिंपल था एंड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके सो ये तो था इंग्लिश पोर्शन, हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन है, पहला क्वेश्चन है हिंदी लैंग्वेज का घर घाट एक करना, घर घाट एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घर घाट एक करना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा, धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाएगा अंतरिक्ष, ऑप्शन ए करेक्ट होगा अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आगामी का विलोम शब्द क्या है, आगामी का विलोम शब्द है विगत, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विगत विलोम शब्द है आगामी का। 4th क्वेश्चन पेट की आग वाक्यांश के लिए सही जो शब्द होगा वो क्या होगा, पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि, जठराग्नि, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5th, युवक का भाववाचक, युवक की भाववाचक संज्ञा है, युवक की भाववाचक संज्ञा होगी यौवन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निराशा का संधि विच्छेद करो, निराशा का संधि विच्छेद होगा निह विसर्ग जमा आशा, निराशा, ये विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नि जमा आशा कि नि जमा राशा तो नहीं होगा, निर जमा राशा भी नहीं होगा, बाकी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 27th क्वेश्चन है नाक का बाल मुहावरे का अर्थ है, नाक का बाल मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रिय, ओके अत्यंत प्रिय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा अत्यंत प्रिय। क्वेश्चन नंबर 28, आंख के अंधे गांठ के पूरे, आंख के अंधे गांठ के पूरे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इस लोकोक्ति का अर्थ है आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का अर्थ है धनवान परंतु मूर्ख, धनवान मूर्ख, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा धनवान मूर्ख। अगले क्वेश्चन में पूछा है गुरु का बहुवचन होगा, गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन, गुरुजन, ऑप्शन सी गुरुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लोकोक्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है आपको,
जो लोकोक्ति दी गई है वो है, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार शब्दों में तीन पर्यायवाची हैं, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं गुल, नंदिनी, पुष्प, सुमन। अगर यहाँ पे इनको देखें तो पुष्प का पर्यायवाची होता है सुमन, गुल। ओके, ये तीनों पर्यायवाची हैं फूल के, यानी पुष्प, सुमन, गुल। यहाँ पे जो दिया गया है नंदिनी, नंदिनी शब्द इनका पर्यायवाची नहीं है, ये डिफरेंट है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसको। यहाँ पूछा था कि कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, नंदिनी पर्यायवाची होता है गाय का। ओके, गाय। और यह नंदिनी कमल के फूल को भी कहते हैं, कमल के फूल को, लेकिन यहाँ पे फूल की बात हो रही है। ओके, कमल की बात नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से अशुद्ध वर्तनी वाले, देखिए वर्तनी यहाँ पे ही वर्तनी गलत लिखा है, वर्तनी लिखने का सही तरीका ये है, वर्तनी के क्वेश्चन में वर्तनी की ही जो है स्पेलिंग गलत लिखी है, वाले शब्द को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे गणित सही है, स्थान सही है, उज्ज्वल गलत है, निरोग भी सही है। उज्ज्वल लिखते हैं, वो दो बार आता है आधा ज, उज्ज्वल। ओके, उज्ज्वल। सो ऑप्शन सी जो है सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नयन शब्द में प्रत्यय है, नयन शब्द में प्रत्यय है, इसका अगर विच्छेद करें यहाँ पर तो ने जमा अन। ओके, तो अन प्रत्यय है इसमें। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, अन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। अगर आपको 1949 पता है तो 1949 और किसी भी ऑप्शन में नहीं था। ओके, जो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य पर। ओके, ऑप्शन डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? देखिए ब्रिज भाषा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा काव्य भाषा के लिए प्रसिद्ध है, काव्य में इसका इस्तेमाल होता है, ब्रिज बोली का, ब्रिज भाषा का। होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, काव्य भाषा, जो ब्रिज भाषा है ये काव्य भाषा में प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तप का विशेषण है, तप का विशेषण है तपस्वी, ऑप्शन बी, तप का विशेषण है तपस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश में प्रत्यय है, कोशिश में प्रत्यय है, कोशिश में इस प्रत्यय है। ओके, इस छोटी ई और श, इस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? मुख से निकली सार्थक ध्वनि जो है शब्द कहलाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, शब्द। अगला क्वेश्चन है, राम अयोध्या आए में कौन सी क्रिया है? राम अयोध्या आए, इसमें अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, रमेश में कौन सा संधि विच्छेद इनमें से सही है? रमेश का संधि विच्छेद होगा रमा जमा ईश, रमा जमा ईश, ये रमेश का सही संधि विच्छेद है, रमे नहीं होगा, रम जमा ईश ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राम जमा ईश श षटकोण तो नहीं आएगा। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये थे हिंदी सेक्शन के, अब हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन, लेकिन वो पीडीएफ क्लियर नहीं थी। तो पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थान नर्मदा नदी का है अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, शिव प्रताप शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अग्निपथ योजना कब देश में शुरू की गई थी, लागू की गई थी? अग्निपथ योजना 2022 में लागू की गई थी, लेकिन यहाँ पे डेट भी पूछी गई है, तो 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लागू हुई थी 14 जून को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के, राज्यसभा का अपना कार्यकाल नहीं होता। ओके, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल खत्म होता है, इनका टेन्योर होता है, मेंबर्स का टेन्योर 6 ईयर्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
नीदरलैंड हेग में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ की सांझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? यूरोपियन यूनियन की सांझी मुद्रा को नाम दिया गया है यूरो। यूरो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं यूरोप की, ओके, इनकी एक ही करेंसी है यूरो, उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है इंग्लिश में, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली किस देश में है? ओके, यहाँ पे पूछा है जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली किस देश में है, तो जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली भारत में भी है और यूएसए में भी है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी जब ये जीके के क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं था, तो मैंने आइडिया लगाया कि यहाँ पूछा गया होगा कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये यूएसए से ली है भारत ने, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रणाली किस देश में है, तो ये यूएसए से भारत ने ली है, अडॉप्ट किया है, लेकिन ये यूएसए में भी है और भारत में भी है, तो ऑप्शन डी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता वंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश ने पहला एशियन गेम्स की मेजबानी की, तो पहली एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन एचपी जीके से है, 84 मंदिरों का समूह हिमाचल के किस स्थान पर है? 84 मंदिर आपको पता है कि चंबा के भरमौर में है 84 मंदिर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भरमौर। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता है, इसके लेखक हैं जयदेव, ओके, जयदेव रचयिता है गीत गोविंद के, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1976 को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1976, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की है? इंडियन इकोनॉमी जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का, सॉरी, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर डल झील में है, डल झील किस स्टेट में है भारत के, आपको बताना है, ऑप्शन डी बी करेक्ट होगा इसमें, डल लेक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली जो संस्था है उसका नाम है NHA, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, NHA। NHA की फुल फॉर्म होती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा नदी किस हिमाचल के जिले में स्थित है? तो चंद्रभागा नदी लाहौल स्पीति में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, ओके, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सर्वप्रथम खोज की थी निकोलस कॉपरनिक ने, ओके, कॉपरनिकस ने ये खोज की थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के सितार के उस्ताद, सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है पंडित रविशंकर को, ऑप्शन सी इसमें भी करेक्ट होगा, पंडित रविशंकर। लास्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली, ह्यूमन स्किन का जो स्टडी करती है, ये ब्रांच है साइंस की, इसे कहा जाता है डर्मेटोलॉजी, ओके, डर्मेटोलॉजी, और इनके डॉक्टर्स को डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डर्मेटोलॉजी, ओके, तो ये हम, ओके, सो दैट्स इट। अब हमारे पास बचते हैं मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन, अब ये तो सॉल्व करके होंगे, इनको हम एक सेपरेट वीडियो में, मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ओके। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।